क्लास सिक्स आपने फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट समझ लिए, आज हम फ्रैक्शन का एडिशन सीखेंगे। ओके क्लास सिक्स चैप्टर सर फ्रैक्शन। प्यारे बच्चों आपने कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए कि फ्रैक्शन होता क्या है, न्यूमरेटर क्या होता है, डिनोमिनेटर क्या होता है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन मैंने बता दिया था आपको। अब बात करते हैं फ्रैक्शन के एडिशन की। ओके तो एडिशन को दो पार्ट में हम सीखेंगे, एक लाइक फ्रैक्शन और एक अनलाइक फ्रैक्शन। पहला हमारा लाइक फ्रैक्शन होगा, दूसरा हमारा अनलाइक फ्रैक्शन होगा। अब लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर सेम होगा वो लाइक फ्रैक्शन होता है। 4/7 ओके, 9/7 5/7 मीन्स ऊपर हमारा कोई भी नंबर हो सकता है, नीचे क्या आना चाहिए, डिनोमिनेटर हमारा सेम चाहिए, तो क्या हो जाएगा लाइक। ओके और ये 5/7/5 3/5 9/5 8/2 ये सारे नंबर जो होंगे हमारे अनलाइक फ्रैक्शन। ये लाइक क्योंकि डायमीटर सेम है और इसका डायमीटर डिफरेंट है, सारे सेम है बट लास्ट में एक क्या है हमारा डिफरेंट है, ये क्या होगा हमारा अनलाइक। एडिशन हम इसी तरीके से हमें लाइक और अनलाइक का, तो पहला एडिशन जो होगा हमारा लाइक होगा। ओके लाइक इजी होता है, अनलाइक में प्रॉब्लम होता है आपको। तो पहले हम एकदम सिंपल बताएंगे आपको जो समझ जाएगा, उसके बाद थोड़ा सा लेवल को थोड़ा ऊपर ले लेंगे। आपके बुक में ऐसे देगा फाइंड द सम करके, फाइंड द सम तो सर इस तरह से देगा। तो सम क्या होता है, जब ऐड करते हैं जो रिजल्ट मिलता है वही सम होता है। ओके 4+2 6 मिला, 6 हमारा क्या है सम है, राइट। लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं तो 4/7 3/7 ये लाइक है क्योंकि दोनों डायमीटर सेम है, इसको कैसे डायरेक्ट आप 7 लिखना, आपको ऊपर वाले नंबर को ऐड कर देना, ये 7/7 हो गया, 7 से 7 को डिवाइड कर दीजिए ये हमारा 1 आ गया, ये 1 हो गया, ये हमारा कंप्लीट हो गया, राइट। सेकेंड बात, सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पे माइनस दिया है और यहाँ पे प्लस दिया है और ये आपका पॉजिटिव है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि माइनस प्लस क्या होता है हमारा माइनस होता है, राइट। तो सेम रूल तो यही है कि डायरेक्ट 7 -4 +2 तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो 2 -4 में से +1 को माइनस करेंगे, इनसे माइनस होगा ये 4 -3 तो आएगा हमारा 1 और 7 होगा, नंबर जो बड़ा उसका सही लगेगा, 4 का सही क्या है हमारा माइनस है तो माइनस लग गया, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। और पार्ट की बात करते हैं, -4/7 +-3/7 राइट। अब ये -4/7 लिख देंगे प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा 3/7 हो गया, राइट। अब इसको भी डायरेक्ट वैसे ही करेंगे, तो यहाँ पे आपको पता रहता है बच्चों -4 से मेरा प्लस होता है, राइट, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे -4 -3 हो जाएगा, ये -7 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे -4, राइट। प्यारे बच्चों इसको यस करना पड़ेगा, समझ लिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। वीडियो रोक दिया कर दीजिए अगर प्यारे बच्चों जो बात करते हैं आपको -4/7 -3/7
राइट। तेरे बच्चों को पता है कि माइनस माइनस टू होता है हमारा प्लस होता है राइट। माइनस फोर है अपॉन सेवन, माइनस फोर अपॉन सेवन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस हो गया अपॉन सेवन हो गया। इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं सेवन राइट, और ऊपर भी डायरेक्ट लिखेंगे माइनस फोर प्लस थ्री। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस करेंगे यहाँ पे वन आएगा राइट। यहाँ पे नंबर जो बड़ा रहेगा उसका सही है, जो बड़ा फोर है उसका सही माइनस है, माइनस हो जाएगा सही राइट। अच्छा हमें क्या पढ़े लाइक फ्रैक्शन के एडिशन पढ़े, अब हम लाइक का एडिशन करेंगे। ये जितने भी अभी सम किए चार सम किए हमने, ये सारा लाइक का था, अब अनलाइक का करेंगे राइट। अनलाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं बच्चों, अनलाइक को मैंने बताया था, अब इसका एडिशन हम करेंगे, ऐड जो करेंगे अनलाइक ऐड करना है। तो अब क्वेश्चन किस तरह से आएगा, फाइंड द सम को राइट। सिंपल पहले समझते हैं फिर आपको इजी की तरफ ले जाएंगे। इसका पहला स्टेप है क्या बच्चों, पहले हम क्या करते हैं डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम जब हम लेंगे टू एंड एट का तो हमारा आंसर क्या आएगा एट ही। आपको ऐसे डायरेक्ट लिखकर बनाना पड़ेगा, चेक कर क्या डेटा आएगा, ये हमारा वन हो जाएगा, ये टू टू को डिलीट करें वन टाइम फोर भी करेगा हो जाएगा, फिर टू से डिलीट होगा वन पैसे ही डिलीट टू टाइम होगा क्योंकि वन वन टू इंटू टू इंटू टू हो जाएगा ये हमारा एट। तो मैंने क्या बोला था टू और एट का एलसीएम टू एट होगा। जब भी देखिए एलसीएम निकालना होगा, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा, जब भी आपको एलसीएम निकालना होगा तो टू और एट को देखिए ठीक है। टू एट जब भी एलसीएम नंबर को देखिए तो इसके टेबल में ये आ रहा है या इसके टेबल में ये आए या इसके टेबल में ये आए, तो जिसके टेबल में जो आएगा नंबर वो नंबर क्या हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा। इसके टेबल में ये आ रहा है और ये बड़ा मतलब ये बड़ा नंबर है ना, कभी इसी के टेबल में नहीं आएगा उसके टेबल में नहीं आएगा, ये हमारा एलसीएम हो गया। तो हमें एलसीएम मिल गया। अब सेकेंड स्टेप है कि इसको टू से और एट को डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा जो आएगा टू से एट को डिवाइड करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा तो फोर होगा राइट। फिर इस फोर से ऊपर वाले से फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर एट को एट से डिवाइड करेंगे, एट को एट से डिवाइड करेंगे वन आएगा, फिर ऊपर वाले एट से डायरेक्ट लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई 16 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा। अब ये 16 हो जाएगा, ये प्लस 8 हो जाएगा और यहाँ पे 8 तो लिखना ही लिखना है। अब ये 16 और 8 कितना होगा पहले बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 24 और ये 8 हो जाएगा राइट। इससे इसको कट कर देंगे तो हमारा ये 3 आ जाएगा, अब आंसर हमारा ये जो हमारा था सिंपल एडिशन, अनलाइक का सिंपल एडिशन। अब थोड़ा हम इसे लेवल बढ़ा के करते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट सही के साथ करते हैं, एक साथ दो सही करते हैं और उसको करते हैं। अब रूल आपका जो रहेगा जैसे कि आपका जैसे बड़ा होगा वैसे छोटा होगा और जैसे छोटा होगा वैसे बड़ा होगा, बट साइन का फर्क पड़ेगा राइट। माइनस फोर अपॉन सेवन प्लस राइट डी अपॉन फोर, ये हमारा क्वेश्चन राइट। सेकेंड क्वेश्चन मैंने बोला कैल्सियम लेंगे तो इसके टेबल में ये आ रहा है, इसका कैल्सियम यही हो जाएगा, हम डायरेक्ट में चलेंगे। अब सेवन से फोर्टीन को डिवाइड करेंगे आंसर जो आएगा हमें लिखेंगे टू आएगा, फिर माइनस फोर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, फोर्टीन से फोर्टीन को डिवाइड करेंगे हमारा आंसर अब वन, फिर थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट हो जाएगा, प्लस हो गया एट हमारा थ्री हो गया
राइट। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा, तो इसे माइनस करेंगे पहले बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा माइनस फाइव, क्यों इसको माइनस करेंगे तो फाइव आएगा, नंबर दो बड़ा उसका सही है, यहाँ बोलेंगे लिखेंगे लिखेंगे, अभी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन में एक दूसरे से डिवाइड नहीं करेगा, किसी अदर नंबर से, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा माइनस आंसर होगा। अरे बच्चों बात करेंगे हर क्वेश्चन की, तो माइनस फोर अपॉन सेवन प्लस माइनस थ्री अपॉन फोर्टीन सेम है बस साइन है, दो साइन है इसीलिए ब्रैकेट में लगा देते, दो साइन जब भी ऐसा करता है तो ब्रैकेट में लगा देते हैं राइट। अब प्यारे बच्चे यहाँ पे भी हम पहले सॉल्व को सॉल्व करेंगे, सही सॉल्व हो गया हमारा, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे आगे बच्चे ऐसे मिलोगे तो फोर्टीन ही आएगा, सेवन को सेवन से फोर्टीन को डिवाइड करोगे आंसर हमारा टू आएगा, माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस ऐसे मिले, फोर्टीन को फोर्टीन से डिवाइड करेंगे आंसर वन आएगा, थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एट होगा राइट, यहाँ पर माइनस होगा, फिर यहाँ थ्री वन इंटू थ्री करेंगे थ्री हो जाएगा, यहाँ फोर्टीन थ्री माइनस माइनस प्लस होता है प्लस करेंगे माइनस एट माइनस एट माइनस थ्री माइनस इलेवन होता है और यहाँ फोर्टीन होता है। अब ये कटेगा नहीं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन राइट, ये हमारा हो गया। फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, इसी तरह का क्वेश्चन दिया गया है, बस थोड़ा सा डिफरेंट मेरे बच्चों सेम क्वेश्चन वही है, साइन का डिफरेंस है, मैंने बोला था साइन डिफरेंट रहेगा, पर हमारा जो यहाँ रूल है सेम है, पहले साइन को सॉल्व करेंगे तो माइनस फोर अपॉन सेवन माइनस में प्लस थ्री अपॉन फोर्टीन हो जाएगा, अगर इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो फोर्टीन आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा वन आएगा, वन लिखेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस बीच में तो प्लस लिखेंगे, फोर्टीन को फोर्टीन डिवाइड कर वन आएगा, थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये माइनस फोर हो जाएगा या प्लस हो जाएगा थ्री हो जाएगा फोर्टीन हो जाएगा, ये माइनस सेवन सॉरी माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, इससे पहले मैंने बताया था कि इसका माइनस होगा, आप समझ गया होगा राइट। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट हो गया राइट। अब फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं बच्चों, माइनस फोर अपॉन सेवन प्लस थ्री अपॉन फोर्टीन माइनस टू अपॉन ट्वेंटी। अब प्यारे बच्चों ये आपने यहाँ पे आपने दो फ्रैक्शन ऐड किया था, यहाँ पे थ्री फ्रैक्शन है, इसको साइन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे राइट, ये हमारा सवाल होगा साइन के अकॉर्डिंग। पहले आप सुन दो प्यारे बच्चों, रूल तो हमारा वही है एलसीएम में, एलसीएम क्या है तो इसके टेबल में आता है सेवन के टेबल में ट्वेंटी एट आता है, फोर्टीन के टेबल में ट्वेंटी एट एट आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा हमारा ट्वेंटी एट, मतलब तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे तो ट्वेंटी एट आएगा, ये हमको ट्वेंटी एट मिल गया राइट, हमें 28 मिल गया। अब क्या करेंगे, 7 से 14 28 को डिवाइड करेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा 4 आएगा, और फिर माइनस फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस बीच में दिया प्लस लिख देंगे, फिर 14 से 28 को डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस लिख देंगे, 28 से 28 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा हमारा 1, 28 डिवाइड 28 ट्वेंटी एट, फिर 28 होगा,
डिवाइड कर देते हैं 3 टाइम में और ये 6 टाइम में, सॉरी 7 टाइम, ये हमारा माइनस 3/7 और ये प्रॉपर है, क्वेश्चन का सही नहीं है, इसलिए फाइनल आंसर होगा हमारा जो आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। ओके।